व्हाट्सअप गाइस उस टाइप की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा और इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, 110% आप फोटो को एडिट कर लेंगे और वीडियो के एंड में जस्ट वन क्लिक में भी आपका भाई फोटो को एडिट करना सिखाने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए साइड में हम लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे, कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी लाइट के आइकन पे क्लिक करके ऐसे आप लोग पूरा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और सबसे पहले इसकी जो ब्लैक्स का वैल्यू होता है ना, इसे आप लोग डिक्रीज करके माइनस साइड में इसे आप लोग 30% कर लीजिएगा। व्हाइट्स की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 27% कर लीजिएगा। देन दोस्तों इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 32%, हाईलाइट की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके -64% कर लीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू प्लस साइड में 20% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान था गाइस हम लोग का पहला स्टेप, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल से दूसरे वाले स्टेप में इसकी कलर्स के आइकन पे आ जाएंगे और आने के बाद सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू डिक्रीज करके माइनस साइड में 20% करेंगे, वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में इसे हम लोग 30% कर देंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके इसे भी प्लस साइड में 30% कर देंगे। सिंपल से गाइस ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई जो भी सेटिंग बता रहा है उसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा और वीडियो के एंड में आप भी कमाल की फोटो को एडिट कर लेंगे। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा। कर लेने के बाद सबसे पहले ब्लू कलर को लेके सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। इक्वा ब्लू कलर को लेके इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से ग्रीन कलर को लेके और इसकी भी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, सिचुएशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, लुमिनस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -28 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी ह्यू की वैल्यू पूरा माइनस साइड में ना 100% कर दीजिएगा, सिचुएशन की वैल्यू आप लोग ऐसे डिक्रीज करके -36 कर दीजिएगा, लुमिनस की वैल्यू भी ऐसे कम करके -33 कर लीजिएगा। और ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, ऑरेंज कलर को लेके इसकी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -42 करके लुमिनस की वैल्यू प्लस साइड में 15% करके आप लोग ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग कीजिएगा ना क्लिक तो आप लोग की फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है आगे आपका भाई यही बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो उसके लिए आपको मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे टैप करना होगा, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आके ब्लेंडिंग की वैल्यू 100% कर लीजिएगा, बैलेंस को इंक्रीज करके प्लस साइड में 24%, लुमिनस की वैल्यू डिक्रीज करके -33 कर दीजिएगा। ऊपर आइएगा, आप अपने फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा घसीट के आप लोग ब्लू साइड में कर दीजिएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू 217 रखिएगा, सिचुएशन को 15%, हाईलाइट वाले सेक्शन में आके अपने फिंगर से पकड़ के ना ऐसे घसीट के आप लोग ब्लू साइड में कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसे ब्लू साइड में कर दीजिएगा, मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, जिसका ह्यू की वैल्यू मैंने 225 रखा है, सिचुएशन को 35%, और ऊपर साइड में डन के आइकन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अभी आपका भाई ब्लू कलर को भी ऐड करना बताने वाला, लेकिन उससे पहले तीसरे वाले स्टेप के अंदर इफेक्ट के आइकन पे आके विगनेट की वैल्यू कम करके -37 कर देंगे और इसके मिड पॉइंट की वैल्यू भी कम करके इसे -32 कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 30%, क्लियरिटी की वैल्यू 10% और डीआईएस की वैल्यू प्लस साइड में 8% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग जैसे ही कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। आगे आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी फोटो को फुल एचडी में कर लेते हैं और ब्लू टोन को भी ऐड करना आपका भाई बताएगा। तो चौथे वाले स्टेप के अंदर डिटेल्स के आइकन पे आके शार्पनिंग की वैल्यू 49% कर लीजिएगा, मास्किंग की वैल्यू यहाँ पे 37%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू 32% और नीचे आके इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी 31% करके पूरा नीचे आके ना स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगा, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है।
तो ब्लू कलर को ऐड करने के लिए स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, मास्किंग के आइकन पर टैप करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आके कलर रेंज के आइकन पर क्लिक करके कलर पीकर को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। रख लेने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, कलर्स के आइकन पर आके पूरा नीचे आके कलर एच को हम लोग ऐसे ब्लू साइड में करके और राइट क्लिक कर देंगे और हम लोग का कंप्लीट फोटो एडिट होके आ जाएगा, जो देखने में काफ़ी ओसम एंड फाड़सा दिख रहा है। और इस फोटो का जो प्रीसेट होता है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो इजीली प्रीसेट को डाउनलोड करके आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस वाले फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।